वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो है हम क्लास फिफ्थ हिंदी का क्लास टेस्ट देखेंगे और ये आपका एक यूनिट टेस्ट है जो स्टार्टिंग में जुलाई या अगस्त महीने में लिया जाता है। इसका मतलब उसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं होंगे, दो या तीन चैप्टर्स के टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसी का क्लास टेस्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि का नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी है। पुष्प अभिलाषा से आप क्या कह रहा है, तो पुष्प वनवाली से कह रहा है कि तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर जो है अनेक वीर सैनिक गुजरते हैं। तो जिस पथ से क्या होता है, अनेक जो है सैनिक क्या होते हैं, गुजरते हैं, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो सुरबाला के गहनों, देवताओं के जो है देवताओं के सिर यहाँ पे और लिख लीजिए, देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है पर्यायवाची शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द आप नोट कर सकते हैं। जैसे पानी का जल, नीर वारी बोलते हैं, चंद्रमा को चंद्रमा और शशि बोलते हैं, आकाश को आसमान, बड़ा आकर लीजिएगा आसमान, आसमान अंबर, अंबर कैसे लिखते हैं, आ आधा मा और बा और रा, अंबर। घर को भवन और ग्रह, दिन को दिनकर और भास्कर, बादल को मेघ और घन, सूर्य को सूरज और रवि, फूल को पुष्प सुमन कुसुम, पृथ्वी को वसुधा और धरती, पृथ्वी को जल नीर वारी। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनको बोलते हैं, इनको जो है प्रैक्टिस करना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए उसके बाद देखते हैं सम्राट। सम्राट मतलब सम्राट होता है, पांथ मतलब पंथ होता है, मातृभूमि मतलब मातृभूमि, गूथा मतलब गूथा, सिर, उसके बाद बनमाली, शुद्ध रूप मतलब ऐसा लिखते, देखिए बनमाली ऐसा लिखते हैं, गूथा ऐसे लिखते हैं, मातृभूमि, सम्राट, पंथ, शीश और सिर। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद कुछ जो है तत्सम शब्द दिए हुए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे घड़ा को जो है घट बोलते हैं, काम को कर्म बोलते हैं, मुंह को मुख बोलते हैं, सूरज को सूर्य बोलते हैं, आग को अग्नि बोलते हैं, दिन को भास्कर बोलते हैं, तो ये सब संस्कृत शब्द हैं। तो इस चीज़ के तत्सम शब्द की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि तत्सम शब्द, शुद्ध रूप और पर्यायवाची और कुछ जो है शब्द दिए हुए हैं, ये क्लास टेस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, इसको भी 2 मिनट समय निकाल के आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।